हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं करने वाला हूं एक बूम बॉक्स मिनी पार्टी स्पीकर की, जो कि आता है एमकेट की तरफ से। और जिन लोगों को एमकेट के बारे में नहीं पता है, तो ये 36 इयर्स ओल्ड इंडियन ब्रांड है। अब इंडियन ब्रांड है तो हम लोगों को प्रमोट करना बनता है, तो आज इसका डिटेल रिव्यू होने वाला है। वैसे ये मुझे एमकेट ने भेजा है, बट इसमें जो कमी है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का बॉक्स दिया गया है और एमकेट की ब्रांडिंग है, और इसमें 30 वॉट का आउटपुट मिलने वाला है। बाकी इसका नाम है बूमर FX Pro। बैक से कुछ इस तरह का बॉक्स मिल जाता है और यहाँ पर स्पेसिफिकेशन लिखी हुई मिल जाती है। अब बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर स्पीकर रखा हुआ मिलता है। उसके बाद एक कार्ड दिया गया है जिसमें सभी बटन के फंक्शंस लिखे हुए मिल जाते हैं। उसके बाद यूज़र मैनुअल दी गई है, जो कि आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। और इसमें आपको दो केबल मिलती है, एक तो है ऑक्स केबल, दूसरी है टाइप सी केबल चार्जिंग के लिए। तो यही सारी चीज़ें बॉक्स में मिल जाती हैं। बाकी अब आते हैं स्पीकर की तरफ। तो ये रहा स्पीकर, और सबसे पहले इसकी बिल्ड और डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर इस तरह की डिज़ाइन मिल जाती है, जो कि दिखने में काफ़ी मस्त लग रही है। बाकी इसका जो साइज़ है वो लगभग 1 फीट के आसपास है, तो बड़ा स्पीकर है बट काफ़ी लाइट वेट है। और इसका वेट है ओनली 1220 ग्राम। बाकी इसमें IPX4 का सर्टिफिकेशन दिया गया है, तो हल्की फुल्की बारिश में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और स्पीकर ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पर ऊपर में स्ट्रैप दिया गया है, मतलब बेल्ट दिया गया है, और इसमें एमकेट की ब्रांडिंग मिल जाती है। बाकी ये लेदर का है, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और इसमें आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलती है, तो बिल्ड क्वालिटी इसकी ठीक ठाक है, बहुत अमेजिंग नहीं है ना ही बहुत ख़राब है। बाकी फ्रंट में यहाँ पर मेश जो मिलता है वो मेटल का मिलता है, और यहाँ पर एमकेट की ब्रांडिंग है, तो बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन अच्छी है इसकी। ऊपर साइड में यहाँ पर बटन्स मिल जाती है, सबसे पहले मोड बटन है जिससे आप मोड को स्विच कर सकते हैं, उसके बाद वॉल्यूम को यहाँ से डाउन कर सकते हैं, उसके बाद पावर बटन है, और यहाँ पर आपको TWS कनेक्टिविटी का फीचर दिया गया है, तो इस बटन को प्रेस करके आप दोनों स्पीकर को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और एक इंडिकेटर लाइट भी मिल जाती है। उसके बाद ये है प्ले पॉज बटन, और इसी से आप बेस बूस्ट को ऑन कर सकते हैं और ऑफ़ कर सकते हैं। बाकी इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पोर्ट्स मिल जाते हैं, सबसे पहले है टाइप सी पोर्ट जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं, उसके बाद ऑक्स पोर्ट दिया गया है, तो अगर आप चाहें तो इसको केबल से प्ले कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर USB मिल जाती है जिसमें आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं और सॉन्ग को सुन सकते हैं। और इसमें SD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है, तो इसमें आप पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं और SD कार्ड भी लगा सकते हैं, ये काफ़ी सही लगा मुझे। और नीचे साइड में रबर की पैडिंग दी गई है जिससे टेबल पर स्टेबल रहेगा। बाकी इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिल जाती है, जो कि है मोबाइल स्टैंड, तो इसको इस तरह से पुल करना है और यहाँ पर आप फ़ोन को रख सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया गया है, जो कि लेटेस्ट नहीं है, बट कनेक्टिविटी अच्छी है और मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। और अगर आप फ़ोन का ब्लूटूथ ऑफ कर देते हैं, दोबारा से ऑन करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक पेयर हो जाता है, तो पेयरिंग काफ़ी फास्ट है इसकी। अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक की, जो कि है साउंड क्वालिटी। तो इसमें 2 स्पीकर मिल जाता है फ्रंट में, और यहाँ पर 2 पैसिव रेडिएटर दिया गया है बेस के लिए, और इसी में RGB लाइट्स मिल जाती है, जो कि बहुत ही मस्त लगती है। और इसमें आपको RGB में 7 इफेक्ट मिल जाते हैं, एक तो है इस तरह का कलरफुल जो कि मस्त लगता है, बाकी आपको सिंगल कलर में मिल जाते हैं, और इसको चाहे तो आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो अब इसको ऑन करते हैं और आप लोगों को इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। तो यहाँ पर बटन को प्रेस करके होल्ड करना है, तो इस तरह से ये ऑन होता है, और देख सकते हैं ये कनेक्ट हो गया है, तो कनेक्टिविटी काफ़ी फास्ट है इसकी। उसनू बुझा जावे, नींद में
आप लोगों ने इसकी आवाज सुन ली। बाकी बात करें कि साउंड क्वालिटी कैसी है, तो भाई साउंड क्वालिटी यहाँ पर आपको काफी बढ़िया मिलती है प्राइस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले बेस की बात करें तो इसमें बेस काफी बढ़िया मिलती है, अच्छी क्वालिटी की बेस मिल जाती है, बट बहुत ज्यादा डीप बेस नहीं मिलती है इसमें। उसके बाद वोकल्स काफी क्लियर आते हैं और ट्रेबल काफी शार्प मिलते हैं, तो साउंड क्वालिटी अच्छी है इसकी। हालांकि लाउडनेस बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप इसको फुल करते हैं तो वहाँ पर साउंड में आपको काफ़ी डिस्टॉर्शन मिलता है। तो इसका जो बेस्ट आउटपुट है वो है 70-75% पे, और उस लेवल पर काफ़ी अच्छी आपको साउंड क्वालिटी मिल जाती है। हालांकि इसमें बेस बूस्ट मोड भी दिया गया है, जिसको ऑन करते हैं तो बेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, बट वहाँ पर क्या होता है कि मिड्स और हाइस थोड़ा सा दब जाते हैं। तो इसका जो नॉन बेस वाला मोड है वो ज़्यादा बेटर लगा मुझे, और साउंड क्वालिटी इसकी बढ़िया है। और अगर आपका रूम मीडियम साइज़ का है तो ये आराम से आवाज़ से रूम को फिल कर देगा। और कंपनी ने 30 वॉट का आउटपुट बोला है, तो भाई सच बोला है, क्योंकि इसके लाउडनेस काफ़ी अच्छी खासी है। और इसमें आपको बिल्ट इन माइक्रोफोन भी दिया गया है, तो अगर कॉल आता है तो इसी पर कॉल को आंसर कर सकते हैं। बाकी माइक्रोफोन क्वालिटी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। तो अभी तक जो आप लोग आवाज़ सुन रहे थे वो मेरे इस माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही थी, और अभी अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं वो इस स्पीकर से रिकॉर्ड हो रही है। तो जब आप कॉल पर बात करेंगे इससे, तो सामने वाले को कुछ इस तरह की आवाज़ सुनाई देगी। बाकी अभी ये मेरे से काफ़ी करीब है, इसको दूर करते हैं इस तरह की ऑडियो क्वालिटी मिलती है, और बात करते हैं तो इस तरह की ऑडियो क्वालिटी मिलेगी इसमें। बाकी आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी लगी आप लोगों को। मैंने इसको चेक किया और मुझे बस एवरेज लगी। चलो बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप की। तो इसमें 2400 mAh की बैटरी मिल जाती है, और कंपनी कहती है कि इसमें अप टू 7 डेज का बैटरी बैकअप मिलने वाला है RGB को ऑफ करके और 70% वॉल्यूम पे। तो अगर आप RGB को ऑन रखते हैं तो यहाँ पर 4 से 4.5 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा इसमें, और इसका बेस्ट आउटपुट 70% पे ही है। तो जाहिर सी बात है आप इसको कम ही आवाज़ पे सुनेंगे, तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिल जाएगा इसमें। तो बैटरी बैकअप डिसेंट आपको मिलने वाला है, और चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट दिया गया है, बट इसको चार्ज होने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो अब आते हैं वर्डिक्ट पे कि क्या इसको लेना चाहिए या नहीं। तो इसका प्राइस है 2999 रुपये, मतलब 3000, और प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा स्पीकर है। इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, लाउडनेस काफ़ी तगड़ी मिलती है, और इसमें RGB लाइट्स भी मिल जाती है। बाकी कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जो कि अच्छी बात है। रही बात कमी की, तो अगर आप इसको फुल करते हैं तो वहाँ पर साउंड फटने लगता है और काफ़ी सारा डिस्टॉर्शन मिलता है। उसके बाद इसके माइक्रोफोन क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो कॉल पर बात करने में आपको दिक्कत हो सकती है इसमें, यह इसमें कुछ कमी है। बाकी प्राइस को देखते हुए अच्छा स्पीकर है, और आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों को लेना है तो इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड ABTECH10 यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये आप लोगों को मात्र 2600 रुपये में पड़ जाएगा, और इस प्राइस में अच्छी डील है। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों को ये स्पीकर कैसा लगा, कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय।